الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وما إلا رحمة للعالمين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعين اكرام معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج حبیب فاطمہ نگر کے اس مبارک علاقے میں جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ بحمد اللہ تعالی کافی بڑا مجموعہ ہے اور اس میں بالخصوص نوجوان دوست شریک ہوئے ہیں۔ نوجوان دوستوں میں اکثر و بیشتر بزرگوں کی صحبت، پیران کامل کے فیوض و برکات بہت کم پائے جا رہے ہیں۔
इसकी वजह से हमारे नौजवान दोस्तों में अक्सर देखने में आता है कि ऐसी महफिल के आदाब और ऐसी महफिल के तौर और तरीक़ों से वो वाकिफ़ नहीं होते हैं। इसलिए मैं अदबन तमाम नौजवानों से महफिल के आदाब के ताल्लुक से दो बातें अर्ज़ करते हुए आगे बढ़ूँगा। जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का ज़िक्र शरीफ सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हैं तो पहले आप अदब व एहतराम के साथ बैठ जाएं। कुर्सियों पे जो हजरात बैठे हैं उनसे भी ख्वाहिश की जाती है कि वो थोड़ा अदब व एहतराम के साथ बैठ जाएं। ऐसे ना बैठें जैसे हम अक्सर होटलों में या और मुकामात पर बैठते हैं, क्योंकि ये वो ज़िक्र है कि इस ज़िक्र को करने की हकीक़त में ना हमारे अंदर उतनी ताकत है, ना हमारे अंदर उतनी लियाकत है, ना हमारे अंदर उतनी इस्तेआत है, लेकिन ये अल्लाह का फ़ज़ल है, हबीब पाक अलैहिस्सलाम की रहमत का सदक़ा है कि हम जैसे गुनाहगारों को इन गंदी ज़ुबानों से भी इतना मुक़द्दस ज़िक्र करने का मौका मिल गया है। तो लिहाजा प्यारे भाइयों, जब हम ये ज़िक्र के लिए आ रहे हैं तो आइंदा से आप एक बात याद रख लें, जब भी कभी आप किसी भी जलसे में जा रहे हों तो बावजू होकर जाएं, बावजू होकर जाना चाहिए। चाहे कोई आलिम दीन की तकरीर हो, चाहे कोई नात पढ़ने वाले की नात खानी हो, या किसी कमजीन बच्चे से कोई आप बात सुन रहे हों, तो इस ज़िक्र की मजलिस में जब भी आप जाएं तो बावजू होकर जाएं, क्योंकि जहां रसूलुल्लाह का ज़िक्र होता है वहां खुद खुदाए रब्बे ज़ुलजलाल भी करीब हो जाता है। फ़रिश्तों का क्या कहना, फ़रिश्तों का क्या कहना, रहमत व अनवार का क्या कहना, अल्लाह ताला भी उस मजलिस से करीब तर हो जाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप हजरात से मेरी ख्वाहिश है कि जब भी आप ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपने खुदूम को उठाएंगे तो याद रखें कि आप ना सिर्फ वज़ू कर लेंगे बल्कि अच्छी तरीके से टोपी का अहतमाम भी कर लेना, इत्र वगैरह का अहतमाम भी कर लेना, चेहरों को भी जो है नूर बख्शने वाली जो है तिलावत वज़ाइफ व ज़िक्र वाली आदात को भी अपनी ज़ुबानों पर जारी कर लेना। क्योंकि प्यारे भाई, ये बहुत ही बड़ी मजलिस है, बहुत ही बड़ा इसका मामला होता है। आप यकीन जानिए, ये वो मुक़द्दस मजलिस है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला को हम गुनाहगारों पर रहम आ जाए तो आज की एक मजलिस हमारी मग़फ़िरत के लिए काफ़ी हो सकती है, हमारी नजात के लिए काफ़ी हो जा सकती है, हमारे लिए ज़रिया नजात बन जाती है। तो ये मजलिस बहुत ही बड़ी अजमत और फजीलत वाली है। इसलिए आप तमाम आशिकान रसूल से हमारी ख्वाहिश है कि जब भी हम आएंगे तो इसके आदाब को मलहूज रखें। तो मेरे प्यारे भाई, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह कोशिश। अब देखिए, आप कोशिश नहीं करें तो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अल्लाह का फजल उस शख्स को ज्यादा मिलता है जो अदब करने वाला होता है। अल्लाह के फजल लेने वालों में आलिम का मुकाम ज्यादा है या अदब वाले का मुकाम ज्यादा है? तो बुजुर्गान दीन ने फरमा देते हैं, आलिम अगर बेअदब हो और एक जाहिल बड़ा अदब वाला हो तो अल्लाह अदब वाले पे ज्यादा फजल नाजिल फरमाता है। अदब का वो मुकाम है, अदब बहुत बड़ी चीज है, ये जिसके पास आ जाता है वो कामयाब, वो कामरान, वो दुनिया के अंदर बहुत ही बड़ा बेमिसलो मिसाल बंदों में से शरीक हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, एक बात सुनाते हुए मैं आपको अर्ज कर आगे बढ़ता हूँ। ये तो खैर बहुत बड़ी मजलिस है, इस मिलाद पाक की मजलिस का क्या कहना, इसमें तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील होता है, इसकी तो हम कुछ तारीफ ही नहीं कर सकते, ये तो बहुत ही बड़ी नेमत व अनवार की बात है। मेरे भाइयों देखिए, एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे जिनका नाम हजरत बिशर हाफ़ी था। हजरत बिशर हाफ़ी रास्ते से गुजर रहे थे, ये बहुत बड़े वली गुजरे, बल्कि वली क्या, वलियों को इनके पास से फैज़ जारी हुआ, मरकज़ विलायत अल्लाह ने इनको अलाता फरमा दी थी हज़रत बिशर हाफ़ी को। हज़रत बिशर हाफ़ी रास्ते से गुजर रहे थे,
तो विलायत कैसे मिली मैं आपको वो बता रहा हूँ। इनको वली बनने का मौका कैसे मिला, अल्लाह ने इनके ऊपर कैसे इनाम कर दिया। औलिया अल्लाह को इनके इधर से फैज जारी किया जा रहा है। कितने बड़े मनसब पर यह आए, ये मनसब इनको कैसे आता हुआ। हजरत बिशर हाफी पहले एक शराबी थे। क्या थे? शराब पिया करते थे। प्यारे दोस्तों, शराब के नशे में धुत वो रास्ते से जा रहे थे और रास्ते से गुजरते 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 नशे के आलम में ढुल रहे हैं। एक छोटा सा पेपर उनको रास्ते में मिल गया, बहुत छोटा सा पेपर। और वो गौर से पेपर पर देखते हैं तो क्या दिखता है कि उस पेपर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जरा बोले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। अल्लाह तबारक व ताला का नामे मुबारक देखे, वो मुकद्दस आयते मुबारिका देखे, तो हजरत बिशर हाफी वो पेपर उठा लिए और उठाकर उस पेपर को इत्र लगाए। बहुत ही अच्छी तरीके से उस पेपर को जो है आपने इत्र लगाया और अपने घर में बहुत ही बेहतरीन मुकाम पर, अदब के मुकाम पर, इज्जत के मुकाम पर, ताजीम के मुकाम पर उठाकर रख दिया। और उस पेपर की तरफ आप पैर करके सोना भी गवारा नहीं किए। तो प्यारे दोस्तों, जरा सोचो, वो पेपर जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था, उन्होंने उसको उठा लिया, उसको इत्र लगाया और मुकद्दस मुकाम पर रख दिया। अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई, परवरदिगार ने जिब्रील अमीन को और दीगर फरिश्तों को भेजा, कहा जाओ मेरे बंदो, बिशर हमारे नाम का अदब करता है और अब हम उसे शराबियों के नामों में देखना नहीं चाहते, अब हम उसे गुनेगारों की फेरिस्त में देखना नहीं चाहते, अब हम उसे बदकारों की फेरिस्त में देखना नहीं चाहते। जिस तरह उसने हमारे नाम को खुशबू लगा दिया, हम भी उसके नाम के साथ विलायत वाला मनसब लगा देना चाहते हैं। सिर्फ इतना अदब करना, अल्लाह को इतना पसंद आया, परवरदिगार गुनाहगारों दोज़खियों की फेरिस्त से निकाल कर वलियों के सरदार की फेरिस्त में उनके नाम को शामिल फरमा दिया। अब अंदाजा कीजिए कैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत को अदब करना पसंद है। आज दुनिया में जो कुछ भी है वो अदब है, अदब के बगैर सब बेकार है, सारी की सारी चीजें बेकार है। अदब जिसके पास आ गया वो कामयाब है, वो कामरान है, वो सुरखुरु है, वो जो है दुनिया में भी अल्लाह के फजल में रहेगा, मरने के बाद भी उसको जन्नत और आखिरत में अल्लाह का फजल दिया जाएगा। अदब नहीं, आजकल बेअदबी आई की वजह से ही जो है लोग गुमराह होते चले जा रहे हैं, बदकारियों की तरफ चले जा रहे हैं। नौज़बिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अजमत में जो है गुस्ताखियां बेअदबियां होती चली, सब बेअदबियां हैं। और जितने बेअदब हैं, नबी का बेअदब तो छोड़ो, नबी की मजलिस का बेअदब तो छोड़ो, जो माँ बाप का भी बेअदब है वो भी दोज़ख में जाएगा। कहाँ जाएगा भाई, जरा बोले? दोज़ख में जाएगा। हकीकत है ना भाई, आप माँ का अदब नहीं करेंगे, वालिद का अदब नहीं करेंगे, बुजुर्गों का अदब नहीं करेंगे तो हुजूर क्या फरमाते हैं? जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता वो हम में से नहीं है, फरमाए सरकार। अदब ही सब कुछ है। आलिम दीन बन जाए, हाफिज कुरान बन जाए, मौलवी बन जाए, मौलाना बन जाए, अगर आपको अदब नहीं आता बेकार है, सारा का सारा इल्म बेकार है। कुछ भी नहीं बने, ना डॉक्टर बने, ना इंजीनियर बने, ना वकील बने, कुछ भी नहीं बने, दौलतमंद नहीं बने, बल्कि एक मामूली इंसान है। लेकिन अदब बहुत बड़ी चीज है, उसके पास अदब आ गया, अपने वालिद का अदब कर रहा है, माँ का अदब कर रहा है, भाइयों का अदब कर रहा है, ऐसी मुबारक मजलिसों का अदब कर रहा है, नबी की बारगाह का नाम आते ही अदब व एहतराम में अंगोटे चूम रहा है, सलात व सलाम की बात होती अदब से उठ के खड़ा हो जा रहा है, फातिहा होते ही बड़ी अकीदत के साथ सरकार की बारगाह में दरूद व सलाम के नजराने पेश करने में लगा हुआ है, फातिहा खानी में लगा हुआ है, ताजीम कर रहा है, एहतराम कर रहा है। तो ऐसा करने वाला अगरचे के ना आलिम हो, ना हाफिज हो, ना मौलवी हो, ना मौलाना हो, ना पैसे वाला हो, ना इज्जत वाला हो, ना शोहरत वाला हो, लेकिन जब आंख बंद हो जाएगी तो देखने वाले उसको जन्नत के मेहमानों के साथ देख लिया करेंगे। अदब की बरकत से वो जन्नत का मखदार हो जाएगा। जन्नत बेअदबों की जगह नहीं, अदब वालों की जगह है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी में अदब को शामिल कर लो। आज हमारे पास हम देखते हैं गुस्ताखियां बेअदबियां, जिसकी बोले उसकी टांग पकड़ते हम खींच देते हैं। तो मेरे भाई, ये गंदे काम करना छोड़ दें, आलिमों की इज्जत करें, बुजुर्गों की इज्जत करें, उलमाए इकराम के अदब एहतराम करें, माँ बाप का अदब एहतराम करें, दोस्तों अहबाब का अदब एहतराम। अगर हमसे कोई एक दिन का भी बड़ा है तो हमारे ऊपर वाजिब है
कि हम उसके नाम का भी अदब करें, उसका तो छोड़ दो आप, पूरी जात का तो छोड़ दो, उसके नाम का भी हमें एहतराम करना चाहिए, अदब करना चाहिए। अदब करने वालों को अल्लाह बड़ा पसंद करता है। अब देखो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज से बमुश्किल जो है एक 10-15 साल पहले की बात है, 6-8 साल पहले की बात है कि अगर कोई नौजवान बच्चे गलत सोहबतों, बुरी आदतों, गंदी सोहबतों की वजह से आवारगी में आकर अगर जो सिगरेट पीना शुरू कर देते थे तो सिगरेट जो है रास्ते से पीते हुए गुजरते कोई बड़े बुजुर्ग दिख जाते महल्ले के तो वो सिगरेट छुपा लेते थे, अदब करते थे बुजुर्गों का एहतराम। गंदी आदत एक अलग चीज है लेकिन बुजुर्गों को देखकर सिगरेट छुपा लेते थे, अदब एहतराम करते थे, बड़ों के सामने ऐसी गंदी हरकत नहीं करते थे, बड़ों के सामने ऐसा बुरा काम कभी नहीं करते थे। लेकिन अफसोस, सदहा अफसोस, आज के इस बदतरीन दौर पर आज का ये इतना गंदा जो है माहौल बन गया है, आज हमारे मुआशरे में नौजवानों की आदत इतनी खराब हो गई है, दुकान पर जाके कह रहे हैं चिचा जरा एक सिगरेट तो दे दीजिए, कितना बदतरीन दौर आ गया देखिए आप। आज हमारे अखलाक इतने बिगड़ गए, आज हमारी नौजवानों के अंदर इतनी शर्मनाक और इतनी गंदी और बुरी आदत आ गई है कि वो बुरों बड़ों का अदब करना तो दूर की बात है, बेअदबी की इंतहा यह है कि उनसे हराम और गंदी चीजें, मकरूह चीजें मांग कर पिया जा रहा है, खरीद कर पिया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, ऐसी गंदी आदतों से परहेज करो। नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जकात देना, हज करना, इबादत करना एक अलग चीज है और जिंदगी के लम्हे लम्हे कदम कदम पे अदब करते हुए जिंदगी गुजारना एक अलग चीज है। जिस तरह नमाज, रोजा, जकात, हज, इबादत एक सवाब है, अजर है, फजल है, रहमत है, बरकत है, उसी तरह बड़ों का अदब, माँ बाप का अदब, असातिज़ा का अदब, उलमा का अदब, ऐसी मजलिसों का अदब, बुजुर्गान दीन का अदब, सलाम व फातिहा का अदब, रसूलुल्लाह का अदब, औलिया का अदब, मुर्शिदीन का अदब, ये भी उसी तरह की एक इबादत का दर्जा, ये भी सवाब वाला अमल, ये भी बरकत वाला अमल, ये भी अजर वाला अमल, ये भी रहमत वाला अमल। जिस तरह नमाजी को नमाज की बरकत से अल्लाह की रहमत मिलती है, इसी तरह बुजुर्गों के अदब करने वालों को भी अल्लाह की रहमत से सरफराज किया जाता है। अदब का माहौल बनाए। आज हम देख रहे हैं मुआशरे के अंदर लोग जो है नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार तो बन जाते हैं लेकिन अदब नहीं है, एहतराम नहीं है। बेशक नमाज, रोजा, जकात, हज अगर आपको सवाब दिलाएगा तो यह बेअदबी पूरे सवाब को गारत कर डालेगी, ये बेअदबी सवाब को गारत कर देगी। एक बात कुरान के हवाले से जो है बताते हुए मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, अपने असल मौजू की तरफ आता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा इकराम से कहा, किसका? हुजूर ताजदार करम रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार के अदब से, अदब के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान शरीफ में हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार में आने वाले दरबारियों को आदाब सिखाए, हुजूर के दरबार का अदब। हुजूर का अदब तो बहुत दूर की बात है, हुजूर के दरबार में आने का अदब, हुजूर की दरबार में बात करने का अदब, हुजूर को मुखातिब करने का अदब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा इकराम को सिखाया। क्या कहा? ए ईमान वालों, जब तुम मेरे मुस्तफा के दरबार में आओ, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, खबरदार मेरे मुस्तफा का अदब करो, अदब करो, अदब करो, इतना अदब करो कि तुम्हारी आवाज भी मेरे नबी की आवाज से बुलंद होने ना पाए। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा कीजिए आप, किसी के दरबार का इतना अदब इस कायनात में नहीं है जितना अदब रसूलुल्लाह के दरबार का है।
और ये दरबार का अदब सिखा कौन रहा है? खालिक कायनात सिखा रहा है कि मेरे बंदो खबरदार, मेरा हबीब है, बेशक वो इंसान ही है, बेशक वो बशर ही है, लेकिन उस बशर को तुम अपनी तरह ना समझना, बल्कि उस बशर की शान अजमत का मामला ये है कि उसके दरबार का अदब तुमको तुम्हारा रब सिखा रहा है कि जब तुम मेरे मुस्तफा के दरबार में जाओ, अपनी आवाज को धीमी रखना, अपनी आवाज को नीची रखना, अपनी आवाज को कमजोर करके रखना, और मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम का तुम इतना अदब करो कि तुम्हारी आवाज मेरे नबी की आवाज बुलंद न होने पाए। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी बात कही कि तुम खबरदार मेरे बंदो, मेरे मुस्तफा को ऐसे ना पुकारना जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, जैसे तुम आपस में एक दूसरे से बात करते हो, जैसे तुम आपस में एक दूसरे के साथ मुआमला करते हो। मेरे नबी के साथ ऐसी गुफ्तगु ना करना, ऐसा मुआमला ना करना, ऐसे हरगिज ना पुकारना। अगर तुम इतनी भी बेअदबी कर दोगे कि तुम्हारी आवाज मेरे नबी की आवाज से बुलंद हो जाए, या तुम मेरे नबी को ऐसे पुकारोगे जैसे आपस में भाई भाई को पुकारता है, या दोस्त दोस्त को पुकारता है, या रिश्तेदार रिश्तेदार को पुकारता है, खबरदार अगर तुम ऐसा पुकारोगे तो फिर सुन लो, तुम्हारे सारे के सारे आमाल को गारत कर दिया जाएगा। ना तुम्हारे ना तुम्हारे नामे आमाल में नमाज का सवाब लिखा हुआ रहेगा, ना तुम्हारे पास जकात का सवाब बाकी रहेगा, ना तुम्हारे पास हज का सवाब बाकी रहेगा, ना तुम्हारे पास उम्रा का सवाब बाकी रहेगा, ना माँ बाप की खिदमत का सवाब बाकी रहेगा, ना तुम्हारी गरीबों की मदद करने का सवाब बाकी रहेगा, ना दीन फैलाने का सवाब बाकी रहेगा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरे मुस्तफ़ा के दरबार में बेअदबी की है। अल्लाह, ना कुफ्र किया, ना तो कोई हराम काम की इस्तेमाल किया, ना तो जो है कोई गुनाह किया, बस दरबार में आने के बाद नबी की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद किया, बस ये बेअदबी। तो ये बेअदबी को अल्लाह यूं कह रहा है कि इसकी बेअदब, ये बेअदबी की वजह से तुम्हारे नामे आमाल मिटा दिया जाएगा। तो पता क्या चला, ये बेअदबी कुफ्र के दर्जे में चले जाती है, कभी बेअदबी कुफ्र के दर्जे में, कभी बेअदबी गुनाह कबीरा के दर्जे में, कभी बेअदबी हराम के दर्जे में, कभी बेअदबी नाजायज काम के दर्जे में। इसलिए दोस्तों याद रखो, जो अदब करता है वो विलायत के मनसब को पा सकता है, और जो बेअदब होता है वो दोजख के अंबार, दोजख की ढिकार का शिकार हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखे अपनी जिंदगी में अदब, इहतराम, ताजीम, तकरीम करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। अभी मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई, मैं सिर्फ ये प्यारे प्यारे नौजवान जो टीन एज के यहां बैठे हुए, इनको आदाब सिखा रहा हूं। आप देखिए कितनी बड़ी बेअदबी है। हम रोजाना खाना खा रहे हैं, कौन खिला रहा भाई बोलिए? अल्लाह। हम रोज कपड़े बेहतरीन पहने हुए हैं, कपड़ों का पहनाने वाला अल्लाह। हमारा जिस्म सलामत, हाथ सलामत, पैर सलामत, सारे आ जाए जिस्म सलामत है, इनको सलामत रखने वाला अल्लाह। और हम कितने मर्दूद हैं, अल्लाह के दरबार में आके खड़े हो गए, टोपी तक नहीं पहनते। नहीं, कितनी बड़ी लानत की बात है, कितनी बुरी बात है, कितनी गंदी बात है कि हम खालिक कायनात के दरबार में आ गए, हमें टोपी तक पहनने की शर्म नहीं, हमें इतना अदब तक नहीं। तो सोचो अल्लाह को कितना जलाल आता होगा। आप सोच रहे काय को जलाना नहीं, क्या बात है, टोपी क्या वाजिब। मैं आपसे अर्ज करता हूं, आप वालिद हैं, या आपके वालिद के सामने आपका छोटा भाई, आपका छोटा भाई आपके वालिद के सामने, या आपका बेटा आपके सामने खड़े होकर शराब पिए तो, सिगरेट पिए तो आपको तकलीफ होगी नहीं होगी, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? बाप अगरचे के शराबी होगा, लेकिन अपने सामने अपने बेटे को शराब पीता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि अभी उसकी गीरत और शर्म हया इतनी नहीं मर गई है, उसका जमीर अभी नहीं मरा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जरा गौर करो, जब हमारा सामने हमारा बेटा छोटी सी हमारी गुनाह और बेअदबी हमारी कर दे तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर जब खुदा का बंदा खुदा की दरबार की बेअदबी करते हुए नंगे सर आकर खड़ा होता है, या इन शर्ट डाल कर खड़ा होता है, या नौजुबिल्ला छोटे छोटे कपड़े पहनकर, कि उसकी पिंडियां दिख रही है, घुटने दिख रहे हैं, ऐसे बेशरम
कपड़े पहनकर या फिर ऐसा कपड़ा पहनता है कि वो सजदे में जाए तो उसका पैंट नीचे शर्ट ऊपर हो रहा है, उसका जिस्म का हिस्सा दिख रहा है, तो सोचो अल्लाह के दरबार की इतनी बड़ी बेअदबी पर अल्लाह को कितना जलाल आता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो खुदा के दरबार में आने के आदाब जानते हैं और अदब करना नहीं चाहते। लानती हैं, मर्दूद हैं, अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हैं वो लोग जो दरबार इलाही में बेअदबी के साथ आते हैं। मेरे आकाए नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा एक मर्तबा, ऐ मेरे प्यारे सहाबियों, जब तुम अल्लाह के घर आओ तो खुशबू लगा कर आओ। अल्लाह अल्लाह, क्या कह रहे हो, क्या करके आओ, कह दो जरा जोर से। आज से इस सुन्नत पे हम अमल करने वाले बन जाएं, खुशबू लगा कर आओ। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या खुशबू हमारे लिए फर्ज है, क्या खुशबू हमारे लिए वाजिब है? तो रसूलल्लाह ने कहा, यह फर्ज और वाजिब तो नहीं है, लेकिन तुम नहीं जानते तुम्हारी सफों में कितने फरिश्ते खड़े हुए हैं। तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ कितने फरिश्ते खड़े हुए हैं, और जब तुम्हारे जिस्मों से मेहनत की वजह से, मशक्कत की वजह से पसीना निकलता है और उस पसीने की बू आती है तो फरिश्तों को तकलीफ होती है। अल्लाह अल्लाह, इसलिए हुजूर ने कहा, फरिश्तों की खातिर तुम अपने जिस्मों पर खुशबू लगा कर आया करो। अदब है फरिश्तों का, एहतराम सरकार सिखा रहे हैं कि तुम मस्जिद में भी आओ तो हर मस्जिद में रहने वालों का ख्याल करो। आप बोलेंगे, कैमल साहब, हमारी हबीब फातिमा नगर की मस्जिद में भी आते क्या फरिश्ते? सरकार का दौर था, सहाबा नमाज पढ़ रहे, मस्जिद नबवी थी, आए होंगे, यहां भी आते क्या? आप मस्जिद की बात मत करिए, आप तन्हा जंगल में भी नमाज पढ़ रहे हैं तो वहां भी फरिश्ते आते हैं, आप अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो वहां भी फरिश्ते आते हैं। क्यों? सरकार ने खुद अकीदा दिया, जब आप सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, क्या करना है? चेहरा इधर फेरना है, नहीं फेर के तसव्वुर क्या करना है कि सीधे कंधे पर बैठे हुए फरिश्ते को भी आप सलाम कर रहे हैं और आपकी सीधी जानी बैठी हुई कौम को भी आप सलाम, तो पता क्या चला? आप फरिश्ता आता नहीं, उन्हें तो 24 घंटे लगे हुए थे आपके साथ। वो खास मखसूस फरिश्ते हैं जो आते हैं, एक फरिश्ता तो हमेशा हमेशा हमारे साथ लगा हुआ है। तो इसलिए मेरे भाइयों, अदब के साथ जिंदगी गुजारेंगे ना भाई, इंशाल्लाह। आप देखो, अगर आप अदब वाले हम बन जाएंगे तो हमसे कोई इख्तलाफ करने वाला दुनिया में मिलेंगे ही नहीं, हमसे कोई लड़ने वाला, कोई झगड़ने वाला, कोई मार तोड़ करने वाला मिलेंगे ही नहीं। हर कोई हमको देखेगा तो अदब में उठ के खड़े हो जाएगा, क्योंकि हम उसका जो अदब करते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आपसे ख्वाहिश है कि आप अदब और तज़ीम वाला मामला तय करें, करेंगे ना भाई इंशाल्लाह। आइंदा से मजलिसों में आते वक्त टोपी पहन के आएंगे ना, पहन गएंगे नहीं, पक्का वादा, सुभान अल्लाह। और जब भी आप आएंगे ऐसी मजलिसों में तो बावजू होकर आएंगे ना इंशाल्लाह। मस्जिदों को जब आप जाएंगे तो अदब, एहतराम, ताज़ीम, तकरीम का मामला तय करेंगे ना इंशाल्लाह। मस्जिदों में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आवाज़ों से बात कर रहे हैं, हरगिज़ ऐसे काम नहीं करना चाहिए, ये अल्लाह को नापसंद है। जब भी आप मस्जिद जाएंगे, जब भी आप जो है इबादत के लिए जाएंगे, टोपी पहन के जाएंगे ना इंशाल्लाह। मौल साहब, मस्जिद को बोले टोपी पहनो, बोल के जलसे पाए जब पहनो, बोलेगा अच्छी टोपी तो उतारना ही नहीं चाहिए, टोपी पहनना मुसलमान की अलामत है। इसलिए मेरे भाइयों, आप हजरात से ख्वाहिश है कि आप सुन्नत रसूल की पाबंदी कीजिए, अदब एहतराम के मराहिल तय कीजिए, करेंगे ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब मैं आपके सामने ज्यादा देर नहीं, एक हमारे दोस्त अहबाब की ख्वाहिश है, मैं तो पहले तो मैं नाते पाक पढ़ता नहीं था, लेकिन एक मर्तबा माहौल बनाने के लिए रियासती इज्तिमा में पढ़ा था, जब से माहौल चलता ही चला जा रहा है, हमारे मोहतरम फैज़ुद्दीन अशरफी साहब से ख्वाहिश की जाती है कि वह स्टेज पर तशरीफ़ लाए। फैज़ भाई के दोस्त जो आए हुए वो हजरात भी स्टेज पर तशरीफ़ लाए। मैं तो नाते पाक पढ़ता नहीं, मेरी आवाज़ भी इस लायक नहीं कि नाते पाक पढ़ूं, लेकिन जब से आके बैठा हूं बार बार हमारे दोस्तों अहबाब ख्वाहिश कर रहे हैं कि नाते पाक पढ़ें, नाते पाक पढ़ें, तो इंशाल्लाह एक छोटी सी मुख्तसर सी नाते पाक भी सुनाने की सआदत हासिल करता हूं। बुलाए क्यों
नक्शा तेरा दिल कश है, सूरत तेरी प्यारी है, नक्शा तेरा दिल कश है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने भी तुझे देखा सो जान से वारी है, जिसने भी तुझे देखा सो जान से वारी है, नक्शा तेरा दिल कश है, सूरत तेरी प्यारी है, क्या पेश करूँ आखा क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूँ आखा क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है ना भाई, हकीकत में है तो जरा सुभान अल्लाह बोलो भाई, ऐसा रुखा बैठे हैं आप लोग। अदब का मतलब ये नहीं कि सुभान अल्लाह भी बोलना छोड़ दो, सुभान अल्लाह बोलना भी एक अदब है, सुभान अल्लाह बोलना भी एक अदब है, मगर मोहब्बत के साथ प्यार के साथ। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो हमारा है क्या, हमारा कोई चीज है ही नहीं, ये दिल भी उन्हीं का है, ये जान भी उन्हीं की है, तो इसलिए ये दिल में उनकी मोहब्बत को बसाना है, ये जान को उनके दीन के लिए वक्फ करना है। हमको दुनिया में इसलिए नहीं भेजा गया जाके बिल्डिंग बना के आओ, एक 12-15 कार खरीद के आओ, बेहतरीन तरीके से जो है वली में 10 लाख रुपए खर्चा करके वलीमा करो, इस यहाँ से लेके पूरा घोड़े पे बैठ के बाजे के साथ नाच लेते शादी खाने तक जाओ, इस वास्ते नहीं भेजे अल्लाह ताला हमको। अल्लाह ताला हमको क्या की इसलिए भेजे, ये जो मैं तुमको दिल और जान दे रहा हूँ, मेरे और मेरे महबूब की मोहब्बत में वक्फ करके आओ, मेरे और मेरे हबीब की मोहब्बत में इसको कुर्बान करके आओ, पहले तुम कुर्बान करके दिखाओ, फिर मैं नेमतें तुमको दिखा देता हूँ। तो इसलिए शायर यूं ही कह रहे हैं, ये क्या पेश करूँ आखा क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूँ आखा क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, नक्शा तेरा दिल कश है, सूरत तेरी प्यारी है, नालेन का एक बो सा, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान करीमा देखिए। एक मर्तबा एक सहाबी हुजूर के दरबार में आए
और आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह क्या मैं आपके दस्त बोसी कर सकता हूँ, हाथ चूम सकता हूँ क्या? पूछे। हुजूर बोले नहीं चूम सकते। फिर एक साहब, फिर वही साहबी पूछे, या रसूल अल्लाह क्या मैं आपकी खदम बोसी कर सकता हूँ? हुजूर बोले नहीं कर सकते। फिर उसके बाद पूछे, या रसूल अल्लाह क्या मैं आपकी इर्द गिर्द गोल घूम सकता हूँ? हुजूर बोले नहीं कर सकते। खामोश बैठ गए नदब से। थोड़ी देर के बाद एक साहबी आए हुजूर के सामने, आए बैठे, हाथ मिलाए, मुसाफा करे, हुजूर का हाथ भी चूम लिए। फिर उसके बाद पैरों को हाथ लगा के खदम बोसी भी कर लिए। फिर उसके बाद गोल घूम लेके बोले, या रसूलल्लाह नौकरी पे जाना है, वक्त हो रहा है, निकलता हूँ। हुजूर बोले अच्छी बात है, जाइए, अल्लाह हाफिज़। चले गए। ये साहबी बड़े परेशान होकर बोले, या रसूल अल्लाह मैं पूछा हाथ चूम सकता हूँ तो आप बोले नहीं चूम सकते, पैर चूम सकता हूँ तो आप बोले नहीं चूम सकते, मैं आपके गोल घूमना चाहता था तवाफ की शक्ल, बोले आप नहीं कर सकते। वो साहबी आया और सुप करके चले गए और हमको मना नहीं किए। तो हुजूर फरमाए, तुम पूछने की मंजिल में थे, वो करने की मंजिल में था। तो प्यारे दोस्तों, सुभान अल्लाह बोली, अच्छी बात लगी। तो मेरे आकाए नामदार मदनी ताजदार अलैहिस्सलाम फरमाए, इसीलिए लोग पूछते फातिहा देना नहीं देना, सलाम पढ़ना नहीं पढ़ना, ये पूछने वाले लोग हैं और हम लोग करके निकल जाने वाले हैं। हम करके निकल जाने वाले हैं। मिलादुन्नबी करना नहीं करना, कोई भी पूछे आपसे करना नहीं करना, बिठा देना उसको खामोश वैसी, बैठ जाओ बैठ। अभी तुम पूछने वाले लोगों में से, अभी तुम अदना दर्जे बच्चे, छोटे बच्चे LKG के, हम लोग डिग्रियां कर लिए से पूरे। करके निकल जाने का मसला है हमारे पास। हमारे आकाए नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके निकलने वाले गुलामों को खुशखबरियां इनायत फरमाई है। तो इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हम उसी नबी की नालेन पाक के सदक़े से पूछने वालों में से नहीं, करने वाले गुलामों में से हैं, आका के करने वाले गुलामों में से हैं। अब सुनिए वही एक शेर को इसी अंदाज में अर्ज किया गया। तेरी याद में रो लेना ये नमाज हमारी है, तेरी याद में रो लेना ये नमाज हमारी है, नालेन का एक बोसा सौ सजदों पे भारी है। नालेन का एक बोसा सौ सजदों पे भारी है। अब जरा बाजू वालों के बारे में भी थोड़ा सा, ये अकल के सौदाई इस राज को क्या समझे, ये राज की महफिल है, ये राजदारों की महफिल है, नहीं ये राजदारों की महफिल है। पार्लियामेंट बैठती करती वहां पब्लिक के बारे में ना लड़ लेते, पीछे जाके क्या क्या काम करते हो राजदारों वो मालूम नहीं होता सामने। तो मेरे प्यारे भाई, तेलंगाना 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 पब्लिक में इश्यू चला, कहां गए आप तेलंगाना? पूरे खामोश हो गए, चुई मुई कच्चू। बोले राज में एक मीटिंग हुई, राज में एक मीटिंग हुई तो तेलंगाना का मसला ठप होगा पूरा। अरे इतना मिल रहा भाई, छोड़ दो यार, कहीं की चुप, टेंशन बोले बाद में देखेंगे, बोले फिर खत्म हो गए बात। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये भी एक राज है, ये हम लोगों को मालूम, ये राज क्या है? सरकार बोलते इन्हें मिलाद में बैठा था, लिख जाओ इसको जन्नत में। हमको याद करता था, लग जाओ इसको जन्नत में, लग जाओ। ऐसा चल, फरिश्तों को मालूम होगा एक सहाबी रसूल है, जंगल से गुजर रहे थे, शेर मिल गया। अब जंगल तो राजी जराज है ना जी, वहां तो फाश का मसला ही नहीं। जंगल में शेर मिल गया,
वो सहाबी का नाम हजरत सफीना। शेर मिल गया तो हजरत सफीना के ऊपर शेर धाड़े मारने लगा। जब काटने और कतरने के लिए करीब आने लगा तो हजरत सफीना ने शेर से कहा, ऐ शेर तू जानता है मैं कौन हूं? तो शेर जो है और धाड़े मारने लगा, ऐ शेर सुन, मैं मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम हूं। जैसे ही सुनना था शेर पलट के वापस निकल के चला गया। तो पता क्या चला, जो नबी का नाम ले लेता है उस पर जानवर भी हमला नहीं करते तो फिर उस पर अल्लाह का अजाब कैसे आएगा, उसे दोजख की आग कैसे छुएगी, उसे जहन्नम के खतरे कैसे होंगे, उसे दर्द और खौफ कैसे होगा। इसलिए दोस्तों ये बड़े राज की बात है और ये बाजू वाले ये राज नहीं समझते, इसलिए शायर कह रहे हैं, ये अकल के सौदाई इस राज को क्या समझे, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं, हम की सूरत में कुरान सुनाते हैं। प्यारे भाइयों, क्योंकि काफी वक्त हो गया है इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी अपनी तकरीर को हम जो है समेट लें। अभी तकरीर शुरू नहीं हुई, अब आगाज हो रहा है इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वमा अरसलनाका, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हमने आपको नहीं भेजा, हमने आपको नहीं भेजा। अगर आप आधे हिस्से का तर्जमा करें तो मतलब यह है कि हबीब अलैहिस्सलाम, हमने आपको नहीं भेजा। क्या मतलब है, जबकि अल्लाह ताला खुद हजरत आमिना के जरिए से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेज रहा है। अल्लाह ताला खुद हबीब पाक अलैहिस्सलाम की आमद के वक्त जश्न का एहतमाम फरमा रहा है। हजरत जिब्राइल को 3 झंडे देकर भेजा जा रहा है। पूछा गया क्यों ये इतनी शान से आ रहे हैं, बोले हबीब पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर को भेजा और खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। ऐ हबीब अलैहिस्सलाम, हमने आपको दुनिया में इसलिए भेजा ताकि आपका भेजा दिया हुआ मजहब इस्लाम तमाम मजहबों पर गालिब आ जाए, हर मजहब से ज्यादा बुलंद व बाला इस्लाम हो जाए। अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि हमने इनको इस्लाम की बुलंदियों के लिए दुनिया में भेजा, और इस आयत में कह रहा है कि हमने नहीं भेजा। जब उलमा से पूछा गया कि इसमें क्या राज पोशीदा है, इसमें क्या बात छुपी हुई है, अल्लाह कह रहा है कि हमने नहीं भेजा, तो उलमा इकराम जवाब देते हैं, हां हां सुनो, अल्लाह की यहां नफी करने का, नहीं भेजे जाने का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, उसका मतलब यह है कि ऐ हबीब अलैहि सलाम, हमने आपको नहीं भेजा मतलब यह कि हमने आपको इनके उनके जैसा बनाकर नहीं भेजा, आम लोगों की तरह बनाकर नहीं भेजा, आम इंसानों की तरह बनाकर नहीं भेजा। आम इंसान और लोग तो बहुत दूर की बात है, हमने आपको बादशाहों की तरह बनाकर भी नहीं भेजा, मालदार और रईसों की तरह बनाकर भी नहीं भेजा। ऐ मेरे मुस्तफा, ये मालदार और रईस तो बात की बात है, हमने तो आपको दिगर अंबिया की तरह बनाकर भी नहीं भेजा, हमने तो दिगर रसूलों की तरह बनाकर भी नहीं भेजा, बल्कि मेरे मुस्तफा, जब हमने आपको भेजा तो इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर दुनिया में भेजा। पहले जो नफी हुई
बंदों को आगाह किया जा रहा था, बंदों को खबरदार किया जा रहा था, ऐ अल्लाह के कलाम पढ़ने वाले जरा आगाह हो जा, ये आयत तू जिसके बारे में पढ़ रहा है उनके रब ने उनको तेरे जैसा बनाकर नहीं भेजा, इनके उनके जैसा बनाकर नहीं भेजा, बल्कि जब ये नबी आ रहा है तो खबरदार हो जा, ये नबी आदम से भी बड़ा मर्तबा लेकर आ रहे हैं, ईसा से बड़ा रुतबा लेकर आ रहे हैं, मूसा से बड़ी शान लेकर आ रहे हैं, नून नजीउल्लाह से बड़ा सबर लेकर आ रहे हैं, मूसा कलीमुल्लाह से बड़ी अजमत लेकर आ रहे हैं, ये नबी जो आ रहे हैं इब्राहिम के दाता बनकर आ रहे हैं, ये जो नबी आ रहे हैं जन्नत के मालिक बनकर आ रहे हैं, ये जो नबी आ रहे हैं, अरे बंदे सुन, ये सारे आलमों के लिए, जर्रे जर्रे के लिए, खित्ते खित्ते के लिए, उनके हिस्से हिस्से के लिए, जमीन और आसमां के लिए, मकीनों मका के लिए, इंसान और जिन के लिए, मर्द और औरत के लिए, सारी कायनात के लिए रहमत लेकर आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हुजूर को भेजा सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा, कोई ऐसी जगह नहीं कि मेरे दोस्तों जहां मेरे आकाए नामदार मदनी ताजदार रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से खाली हो, कायनात की हर शय रहमत की मोहताज है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो रहमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दी, वो जिसे चाहे जितना चाहे दे दे, उनके रब ने उनको इख्तियार देकर दुनिया में मबूस फरमाया है कि मेरे प्यारे भाइयों कुर्बान जाओ आखाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मुख्तार सय्यिदुल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब अल्लाह ने उनको रहमत तो दे दी है, अब क्या वो रहमत को अपने गुलामों में तकसीम करते हैं, अपने गुलामों में बांटते हैं, अपने गुलामों में देते हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रहमत के ताल्लुक से अगर मैं आपसे कहूं तो आप खुद गौर फिकर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह बात आसानी से समझ में आ जाएगी। जरा देखिए, रहमत का ताल्लुक ना जाहिर से है ना बातिन से, रहमत हर एक के लिए खास है, जाहिर के लिए भी रहमत की जरूरत है, बातिन के लिए भी रहमत की जरूरत है, माल के लिए भी रहमत की जरूरत है, औलाद के लिए भी रहमत की जरूरत है, हर चीज के लिए। कायनात में जितनी अशियाएं पल रही है उन सारों का ताल्लुक अल्लाह पैदा करने वाला है और रहमत की बरकत से उनको पाल रहा है, और वो रहमत अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम को दिया है। अब जरा आइए प्यारे दोस्तों, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा नबी करीम रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से सवाल किया, किससे जरा बोले भाई, सहाबा इकराम से हुजूर ने सवाल किया, क्या सवाल किया? आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे सहाबियों बताओ तुम में सबसे ज्यादा सखावत करने वाला, बांटने वाला, लुटाने वाला कौन है? हमारे पास अगर पूछे तुम में सबसे ज्यादा लुटाने वाला कौन है भाई, तो हम लोग सोचेंगे अरे मैं तो 5 रुपए दिया मस्जिद को, मैं तो 10 रुपए देता हूँ मस्जिद को, फकीर आया तो 8 आने 4 आने देता हूँ मैं, हमारी ये कैफियत है। अजी कुर्बान जाओ मेरे आकाए नामदार मदनी ताजदार को अल्लाह ने रहमत अता की, तो देखो मेरे आका अली सलातु वस्सलाम उस रहमत को कैसे लुटाते हैं। आका अली सलाम ने पूछा कि सुबह में ज्यादा लुटाने वाला, अरबी में उसको जव्वात कहते हैं, सखावत करने वाला, बांटने वाला कौन है? तो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। सहाबा क्या किए? अल्लाह और उसका रसूल, जरा बोलो भाई, अल्लाह और उसका रसूल। मैं बड़ी इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूं और आपसे जो है तवज्जो का तालिब हूं कि इंशाल्लाह ये बात आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, तो जरा गौर कीजिए सहाबा ने क्या कहा, अल्लाह और उसका, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सहाबा ने यह बता दिया, सहाबा का यह अकीदा था, अल्लाह जो जानता है वो रसूल भी जानते हैं। आज हमारे पास बाज लोग हैं, हुजूर को इल्म नहीं था,
नौज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक, सहाबा के अल्फाज इनका रद्द कर रहे हैं, ये बातिल अकीदों का रद्द कर रहे हैं, ये बदअकीदगी का रद्द कर रहे हैं, ये दियोबंदियत का रद्द हो रहा है, ये वहाबियत का रद्द हो रहा है कि ये लोग कहते हैं अल्लाह ही जानता है, अल्लाह को सब कुछ मालूम है, अल्लाह के अलावा किसको न किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन कुर्बान जाओ, सहाबा का ये अकीदा था वल्लाहु अअलमु व रसूलु, जो कुछ भी अल्लाह को मालूम है वो सारा का सारा मुस्तफा को मालूम है, उनके रब ने उनको सब कुछ सिखा दिया था। तो अल्लाह और उसका रसूल जानता है। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, पता क्या चला, अल्लाह ने अपने पास जो इल्म रखा था अपने फजल से अपने मुस्तफा को भी अता फरमा दिया है। मेरे आका भी जानते हैं ये सहाबा का ईमान था। तो मुझे कहने दो, जो ईमान सहाबा का है वही ईमान अहले सुन्नत के जवानों का है। हमारा रब जो जानता है उसने अपने फजल से अपने मुस्तफा को दिया, तो खुदा के फजल से हबीब खुदा भी जानते हैं। तो अब आइए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या सहाबा से फरमाते हैं, पहले क्या पूछे कि तुम में सबसे ज्यादा या इस जमीन पर सबसे ज्यादा सखावत करने वाला कौन, लुटाने वाला कौन, रहमत की तकसीम करने वाला कौन, रहमत बांटने वाला कौन? तो सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तो आओ, मदीने वाले नबी ने जवाब दिया, सुनो ए मेरे सहाबियों, अना अजवदु बनी आदम, अगर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई सबसे ज्यादा सखावत करने वाला, सबसे ज्यादा लुटाने वाला, सबसे ज्यादा बांटने वाला अगर कोई इस धरती पर आदम की औलाद में पैदा हुआ, तो सुनो वो सिर्फ अल्लाह का हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुआ। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाए। एक और मसला भी बताते हुए आगे बढ़ता हूं। हमारी मस्जिदों में हम अक्सर देखते हैं या अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं या अल्लाह या रसूल अल्लाह हमारी मस्जिदों में होता है। तो ये बाजू वाले क्या बोलते हैं, ये मुशरिकों की मस्जिद है। पूछे क्यों, मस्जिद भी मुशरिकों की होती? हाँ, देखो तुमने अल्लाह के साथ या लगाया और रसूलुल्लाह के साथ भी या लगाया, जो तुम अल्लाह के लिए बोलते हो वो रसूल के लिए बोल रहे हो, लिहाजा ये लफ्ज़े या अल्लाह के साथ लगाना जायज़, रसूल के साथ लगाए तो शिर्क हो गया। नौज़बिल्लाह, ये इनकी खोपड़ियों में कीड़ा आ गया, इसलिए इनको ये मसला समझ में नहीं आया। अजी हदीस पाक है, देखो सहाबा क्या कह रहे हैं, अल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह और उसका रसूल आलम जानता है। आलम एक लफ्ज है जो अल्लाह को भी जो है बोला जा रहा है और रसूलुल्लाह को भी बोला जा रहा है, यानी अल्लाह भी जानता है और रसूल भी जानते हैं। तो सहाबा ने बता दिया एक ही लफ्ज अल्लाह को भी जो बोला जा सकता है, वही लफ्ज मुस्तफा को भी बोला जा सकता है, इसमें शिर्क नहीं होता। बल्कि क्यों, अल्लाह जो जानता है वो अपने जाती इल्म से जानता है और मुस्तफा जो जानते हैं वो अल्लाह के फजल से जानते हैं। आलम एक लफ्ज है, सहाबा अल्लाह के लिए भी बोल रहे हैं, वही लफ्ज रसूल के लिए भी बोला जा रहा है, शिर्क हुआ? अगर शिर्क बोला जाए तो इस दुनिया में सबसे बड़े मुशरिक नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक सहाबा हो जाएंगे, फिर हमारा ईमान गारत हो जाएगा। इसलिए बाजू वालों की बातों को मत सुनो, उलमा की मजलिसों में बैठा करो, मसले आसानी से हल हो जाते हैं। एक और मसला भी इसी मुनासिबत से जो है बताते हुए चलता हूं कि देखो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला के चंद नाम हैं। किसके भाई जरा बोले, अल्लाह ताला के चंद नाम हैं जो अल्लाह ताला ने अपने लिए खास तौर पर, अल्लाह ही के लिए वो नाम बोले जाते हैं, दूसरा किसी और के लिए वो नाम नहीं बोले जाते। मसलन समी, सुनने वाला कौन है, अल्लाह, कुरान में ना समी बसीर, और आप देखे बसीर ये भी अल्लाह का नाम है, अलमुमिन ये भी अल्लाह ही का नाम है, गनी अल्लाह ही का नाम है, अकबर
अल्लाह ही का नाम है, अली अल्लाह ही का नाम है, रऊफ अल्लाह ही का नाम है, रहीम अल्लाह ही का नाम है, ये सारे नाम अल्लाह के हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह कैसा बड़ा रहमान है, कैसा बड़ा करम करने वाला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ये नाम अपने बाज महबूब बंदों को अता फरमा दिया, रऊफ और रहीम मुस्तफा को दे दिया, गनी मुस्तफा के गुलाम को दे दिया। हजरत उस्मान गनी नहीं, हुजूर खुद बोलते थे उस्मान गनी, तो अल्लाह का नाम गनी है, हजरत उस्मान को गनी बोले तो शिर्क होना था नहीं, होना था नहीं होना था। अजी फिर रसूलुल्लाह खुद बोल रहे हैं कि ये उस्मान गनी है, तो पता क्या चला, अल्लाह को गनी अल्लाह समझकर बोला जाता है और उस्मान को गनी अल्लाह का बंदा समझकर बोला जाता है। इसी तरह हकीकत में गौस तो खुदा की जात है, अगर इनको गौस आजम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि वो खुदा अपनी खुदाई में गौस है और ये खुदा का बंदा खुदा की अता लेने और बांटने में गौस आजम का काम कर रहा है। बात समझ में नहीं आती लोगों को, अमीर बोले, क्या बोले, अमीर साहब बहुत चलता, अमीर साहब, अजी अमीर भी तो अल्लाह की जात है, हकीकत में अमीर कौन है, इन्हें अमीर मोहल्ले का, उन्हें अमीर पूरी कायनात का, अमीर बोला शिर्क, ऐसा बोलने बताने से कुछ भी नहीं होता, नहीं बोलने बताने से कुछ भी, नियत देखी जाएगी, नियत क्या है, नियत यह है कि आप गौसे आजम को गौसे आजम कह रहे हैं, हजरत गौसे आजम को आप और हम गौसे आजम कहते हैं, कोई उनको खुदा समझकर गौस कहता है, कोई उनको खुदा के बराबर समझकर गौस कहता है, कोई उनको खुदा का बेटा समझकर गौस कहता है या खुदा के जैसा समझकर गौस कहता है, नहीं नहीं, सारे के सारे गौसे आजम कहने वाले उनको खुदा का बंदा समझकर गौसे आजम कहते हैं, खुदा का गुलाम समझकर गौसे आजम कहते हैं, खुदा का अता करदा बंदा समझकर खुदा गौसे आजम कहते हैं। तो वो जो खुदा गौसियत वाला है वो उसकी जाती गौसियत है, और ये जो गौसे आजम की गौसियत है ये खुदा के फजल से गौसे आजम बने हुए है। तो फजले इलाही से गौसे आजम कहा जाए तो नौज़ बिल्ला ना शिर्क हुआ ना जो कुफ्र हुआ, बल्कि ऐसा कहना तो अल्लाह को भी पसंद आया। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अब जरा आप गौर करते चले तो मेरे आका अलैहि सलाम कह रहे अजवद, मैं सबसे ज्यादा सखी हूं। अजवद का माना क्या है, सबसे ज्यादा सखी। हकीकत में देखो अजवद अल्लाह की जात है, अजवद कौन है, अल्लाह की जात, अजवद जवाद अल्लाह का नाम है, अजवद अल्लाह की जात है। लेकिन मुस्तफा कह रहे अना अजवदु बनी आदम, मैं अजवद हूं हजरत आदम की औलाद में। तो क्या पता चला, मुस्तफा का कहने का मतलब यह है वो खुदा अपनी जाती सिर्फ अपनी जाती अता से अजवद है और मैं खुदा के फजल से अजवद हो गया हूं, खुदा के फजल से लुटाने वाला हो गया, खुदा की अता से लुटाने वाला हो गया। तो इसीलिए अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को रहमत दी। ये रहमत ही का तो तकाजा है कि आज हम कारोबार भी कर रहे हैं, तिजारत भी कर रहे हैं, मालो दौलत भी कमा रहे हैं, इज्जत भी बना रहे हैं, घर भी बना रहे हैं, कारोबार भी चला रहे हैं। ये सब रहमत मुस्तफा का सदका है। अगर नऊज़ बिल्लाह नबी जवाद ना होते, लुटाने वाले, बांटने वाले, तकसीम करने वाले ना होते, तो फिर प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों हम लोग पूरे जांजा दो मंजिला बिल्डिंग है ना, वहाँ दो कमरे रहते थे। नबी नहीं लुटाए भाई। देखो मिसाल इसको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, एक बेटा है बेहतरीन कारोबार डाल के बैठा है चार मलगी में। आप पूछेंगे अरे मियाँ तू परसों डिग्री पास कर आए, इतनी चार मलगी भर के सामान आ गया, इतना बड़ा कारोबार 10 लाख लगा दिया, कहाँ से आए? बाबा दिए। कौन दिए? अगर वाली साहब नहीं देते तो चार मंजिला मलगी में उन्हें लगा सकता था कारोबार?
तो पता क्या चला, इसका बाप बड़ा चौवाल है, इसको दे रहा है तभी तो इसका कारोबार चल रहा है। तो आप मुझे कहने दो, आप पूछे कि आपके आपके घर रहमत आ रही है, आपके घर बरकत आ रही है, आपके घर इनाम आ रहा है, आपके घर फजल आ रहा है। मैंने आपसे पूछा ये रहमत कहां से आई, ये औलाद वाली रहमत कहां से आई, ये कारोबार वाली रहमत कहां से आई, ये सांसे वाली रहमत कहां से आई, ये बीवी वाली रहमत कहां से आई, ये माँ बाप वाली रहमत कहां से आई, तो आप बोलेंगे अल्लाह के फजल से आई। तो मैं पूछूंगा अल्लाह का फजल कैसा हुआ, तो आपको कहना पड़ेगा मुस्तफा के सदके से हो रहा है, नबी के तुफैल से हो रहा है। रहमत मुस्तफा जिधर चले जाती है खुदा का फजल भी उधर उधर चला चला नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अलमाए अहले सुन्नत, ईद मिलाद नबी, बानी तहरीक सलाह इस्लाम। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारे आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मुख्तार सय्यदुल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि अल्लाह ने उनको रहमत वाला बनाया। इसलिए आज ये रहमत ही का तो सदका है कि हम आबाद होते हुए फलते और फूलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत ना होती तो फिर आप देखिए हमारी दुनिया भी वीरान की वीरान पड़ी हुई रहती, हमारी दुनिया भी अंधेरी हो जाती, हमारी दुनिया भी खाकिस्तर हो जाती। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अब जरा आओ मेरे आका अलैहिस्सलाम की जवादियत का एक और प्यारी बात आपको सुनाते हुए आगे बढ़ता हूँ। कुरबान जाएं आका इनामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में एक मरतबा 7,000 दिरहम आए थे। कितने? आज के जमाने के हिसाब से आप ले लीजिए 7 करोड़। इतने पैसे आए सरकार के पास, किसी लाके देने वालों ने लाकर दिया। कितने? 1,000 दिरहम आज के जमाने के हिसाब से मिसाल दे रहा हूं, अभी हो सकता है बढ़ के भी हो जाए 7 करोड़, 70 करोड़ भी समझ ले तो मुनासिब है। ले आकर दरबारे रिसालत ने दिए, सहाबा के जरिए से हुजूर ने सारे शहर में ऐलान करा दिया कि आज नबी के दर पर पैसा बट रहा है, दिरहम और दीनार बट रहे हैं, जिसको चाहे आकर ले जाए। आए और आकर ले जाने लगे, नबी करीम रहमतुल्लाह अलैहिं वो दिरहम और दीनार के थैलों में हाथ डालते गए, निकालते गए, देते गए, हाथ डालते गए, निकालते गए।